ये शक्तिशाली बैकग्राउंड वाला एक मॉडर्न टोकन है। इसका मुख्य काम लाखों लोगों के लिए पेमेंट का एक भरोसेमंद साधन बनना है। फिर भले ही वे किसी भी देश में रहते हों, उनकी एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज कुछ भी हो, ये इस्तेमाल में आसान और सुरक्षित टोकन है, जिसे पारंपरिक अर्थव्यवस्था और क्रिप्टो वर्ल्ड के बीच एक कड़ी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। इसकी मदद से मर्चेंट्स क्रिप्टो करेंसी के बदले में अपना सामान बेच सकेंगे, ट्रेडर्स अपने आइडियाज के लिए धन जुटाने लायक बन जाएंगे और यूजर्स जल्दी और सुरक्षित रूप से लेन देन कर सकेंगे। बाजार का लेजेंड बनने के बाद अल्टिमा अब स्मार्ट ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है, जो बाजार में एक दशक से ज्यादा अनुभवी डेवलपर्स की एक टीम द्वारा तैयार किया गया शानदार ब्लॉकचेन है। और इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन की स्पीड सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, टोकन को मैनेज करना आसान हो जाएगा और इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेशन होने की बदौलत यूजर्स नए टोकन की पूरी ताकत का अनुभव कर पाएंगे। स्मार्ट ब्लॉकचेन पर अल्टिमा न सिर्फ हमारे इकोसिस्टम के लिए बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक शक्तिशाली कदम है। ये इंडस्ट्री का भविष्य है, जिसे हम आज आपके साथ मिलकर बना रहे हैं। तो उसको आपको कोई जवाब नहीं देना चाहिए। पहले उसने गलती की लालच में पैसे लगा के दोबारा वो कुछ नहीं करना चाह रहा है, तो उसको खुद को ही उसका एहसास होना चाहिए कि मुझे मेरा अगर एसेट बेचना है तो मेरे को सीखना पड़ेगा। फिर वो कैसे भी करके बेच के बाहर निकल जाए, दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, या वो सीखे तो सीखने के बाद वो परमानेंट इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को तैयार करना है, हमें लोगों को मजबूर नहीं बनाना है कि आप उनकी मदद करें वो कुछ नहीं कर रहे। और इसी के नतीजे हैं कि आपके पास 100 की टीम है, उसमें से 90 लोग इन्वेस्टर बन गए और 10 लोग एक्टिव है, लेकिन वो 90 10 को परेशान करते तो 10 भी आपके डीएक्टिव हो जाते। तो जितने ज्यादा लोगों को आप एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी खुद की बढ़ेगी। तो योगेश कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। 250 यूरो का अल्टिमा का फार्म, उसका कैलकुलेशन, उसका 2 साल में मिंटिंग कितना आने वाला है और लगभग बॉटम रेट पे, अगर इसी रेट पे हम आगे चलते, मान लो कल अल्टिमा का रेट 50,000 यूएसडी चला जाता है, तो भी हमें लोगों को एक कैलकुलेशन देना है कि देखो तुमने 50,000 पे बाय किया, लेकिन इसका बॉटम का रेट लास्ट टाइम 10,000 का था। तो मैं आपको 50,000 का कैलकुलेशन नहीं दूंगा, आपको वर्स्ट कैलकुलेशन 10,000 का दूंगा। तो 10,000 के हिसाब से आपका 2 साल में इतना मेंटिंग होके आता है और आपका रेवेन्यू इतना जनरेट होता है। वो तो बोलेगा मैंने 1,00,000 लगाया, मेरा तो 80,000 बन रहा है, तो फिर क्यों खरीदूं? तो उसको आपको यही बताना है, ये वर्स कंडीशन में आपका 1,00,000 का 80,000 बन सकता है, आपका 20,000 नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर प्लस में जाके देखोगे आप तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। योगेश जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है। और सर, जो कल की कैलकुलेशन थी वो एक बार जानना चाहता हूँ। कल की कैलकुलेशन जो बताई थी वो ठीक थी? एकदम परफेक्ट थी। ओके ओके, आपकी वॉइस भी कल क्लियर थी। ओके, आज भी हम कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो अभी आपने अगर अपना पीपीटी ओपन किया, 250 यूरो का अल्टिमा का फॉर्म का पूरा कैलकुलेशन आपने बता दिया, तो बहुत सारे लीडर्स है जो आपको सुन रहे, राइट? उन्होंने भी कैलकुलेशंस किया, कुछ करेक्शंस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना हैंडल्स करेंगे, अपना माइक अनम्यूट करेंगे और वो अपना सॉल्यूशन देंगे, राइट? तो इसी से ये डिस्कशन से क्या हो जाएगा कि सबको क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, राइट? और क्या फॉर्म का कैलकुलेशन है जो हम लोगों को बता सकते। प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं योगेश और साथियों, आज हम आपको यहां पर बताने वाले हैं जो हमारे 275 यूरो के पैकेज की जो कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन क्या है और यही एक बॉटम के रेट पे, यानी कि जो आज हमारा अल्टिमा का प्राइस $10,000 $10,000 है, तो इस प्राइस पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और हमारा इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो आज हम साथियों इस पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एकांत जगह में जाकर बैठे और यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं और यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा 110 यूरो का जो पैकेज है, तो वो पैकेज क्या है
और यह हमें कितना रिटर्न दे सकता है, 275 यूरो का पैकेज, 110 यूरो के पैकेज की कल आपको कैलकुलेशन बताई गई थी। तो आज हम यहाँ पर 275 यूरो के पैकेज की कैलकुलेशन समझने वाले हैं। तो साथियों यह उसकी कैलकुलेशन है, लेकिन उससे पहले आज हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो आज हम उस पर भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा 275 यूरो का जो पैकेज है, तो एक यूरो की वैल्यू हम 100 रुपए लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 275 इंटू 100 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 27,500 रुपए का इसमें हमारा सॉफ्टवेयर होगा। और इसमें जो कॉइन रखने की जो कैपेसिटी है, तो वो कॉइन कितना इसमें रखा जाएगा, तो इसमें कॉइन रखने की जो कैपेसिटी है वो है 0.025। तो इसमें हम साथियों यहाँ पर 0.025 यहाँ पर हम इसमें कॉइन लोड करेंगे। तो इतना कॉइन लोड करने के लिए यहाँ पर हमें $10,000 के प्राइस पर कॉइन्स बिट एक्सचेंज से हमें कॉइन यहाँ से बाय करना होगा। तो जब हम वहां पर बाय करने जाएंगे तो 250 USDT हमें यहाँ पर लगेंगे, और 250 USDT एक USDT की अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज पर इसका प्राइस देखेंगे, तो साथ ही वहां पर उसका लगभग 90 रुपए से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसमें हमारा 22,500 रुपए का कॉइन और प्लस 27,500 रुपए का हमारा इसमें सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि इसमें जो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग इसमें हमारा 50,000 रुपए का होगा। अब मान के चलिए अगर हमने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए होगा, इसमें हमारे मंथली रिटर्न क्या होंगे, डेली रिटर्न क्या होंगे, और बॉटम के प्राइस पे आज हमारा जो अल्टीमा है तो इस पर हमें क्या करना होगा, तो आज हम साथियों इस पर भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो अब साथियों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ PPT के माध्यम से। अभी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समझा, अभी हम इसके यहाँ पर रिटर्न भी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमारी स्क्रीन है, तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा सर, मेरी स्क्रीन यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है? एकदम परफेक्ट। ओके। तो साथियों यहाँ पर हमारे 275 यूरो के पैकेज की जो कैलकुलेशन है, तो इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपने 50,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका 3 वर्ष के लिए होगा। आपके इसके 100% जो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे वो आपको 3 वर्ष में मिलेंगे। तो अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पर पहले महीने का जो आपका मिंटिंग होगा, तो इसमें आपको यहाँ पर पहले महीने 30 दिन का टाइम लगेगा, और 30 दिन के बाद आपको यहाँ पर जैसे आपका एक बार मिंटिंग आएगा तो आपको यहाँ पर उसका यहाँ पर 0.0045 इतना आपको कॉइन मिलेगा। जिसमें अगर हम यहाँ पर आपको डेली जो आपको यहाँ पर कॉइन मिलना है, तो वो आपको यहाँ पर 0.0001 यानी कि उस समय से जो उसका 1% जो यहाँ पर निकलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कॉइन मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर 0.0014 आपको अल्टीमा मिलेगा, जिसकी अगर हम यहाँ पर रुपए में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 38 USDT बनेंगे। और इसका अगर हम इंडियन रुपीस में निकालेंगे तो फर्स्ट महीने का आपका जो पे आउट होगा वो यहाँ पर इंडियन रुपीस में 1,161 रुपए होगा। इसी प्रकार से साथियों आपका ये पिछले महीने का कैलकुलेट किया जाएगा अगले महीने में, क्योंकि आपका यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 0.0045, तो इसमें से आपका 0.0014 आपका निकल जाएगा, तो आपका जो बाकी बचा 0.0032 और आपका दूसरे महीने का आया हुआ मिंटिंग 0.0045। तो टोटल मिला के आपका जो बैलेंस होगा वो 0.0077 होगा। तो फिर इसका आपको यहाँ पर 1% मिलेगा, तो 1% में आपको यहाँ पर जो दूसरे महीने जो आपका यहाँ पर मिंटिंग निकल के आएगा तो टोटल यहाँ पर होगा 0.0023। ये मैं साथियों आपको कॉइन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस हमारा वॉलेटाइड है, ये कभी भी बढ़ और घट भी सकता है। यानी कि अभी जो $10,000 है ये अभी बॉटम पे है, यहीं से इसका प्राइस लॉन्च हुआ है। तो अब साथियों यहाँ पर अभी आज के प्राइस के लेके हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, आने वाले समय पे जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा, मिंटिंग फैक्टर चेंज होगा, तो आपका ये कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज होगा। यानी कि दूसरे महीने आपको यहाँ पर 65 USDT यानी कि $65 मिलेंगे, जिसका आपको यहाँ पर इंडियन रुपीस में आपको यहाँ पर बताया गया कि आपका यहाँ पर कितना होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ये पर डे का यहाँ पर पे आउट है, डेली आपका रुपए में 65 रुपए निकलेगा, तो आप 30 से गुणा करेंगे, यहाँ पर USDT नहीं है साथियों, यहाँ पर इंडियन रुपीस में है, तो आपको यहाँ पर 1974 रुपए मिलेगा। इसी प्रकार से एक बार मैं आप कैलकुलेटर में आपको इसका कैलकुलेशन निकालना बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर में कैसे इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो अब साथियों हम अपने कैलकुलेटर पर आ चुके हैं, और यह कैलकुलेशन आप कैसे निकालेंगे
तो साथियों हमें पहले लिखना है 0.025, ये क्या है, हमारे 275 यूरो का मैक्स लोड है। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालने के लिए जो अभी आपको पीपीटी के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर 720% आपको 2 साल में 24 महीने में आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, तो हम इसका यहाँ पर भाग करेंगे 24 महीने से, तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो यहाँ पर 30%, यानी कि हमें 30% यहाँ पर ही मंथली रिटर्न में रिटर्न देगा। और रिटर्न में क्या देगा आपको साथियों, रिटर्न में देगा आपको अल्टीमा कॉइन आपको यहाँ पर रिटर्न में देगा। तो हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि यह किस प्रकार से आपका यहाँ पर मैंने जो आपको निकाल के दिखाया है। तो अभी साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 0.025 जो हमने मैक्स लोड रखा, तो इसका हम यहाँ पर 30% निकालेंगे। तो साथियों जब हम इसका 30% निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर 0.0075 अल्टीमा होता है। अब साथियों इसको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटर है जो साथियों, क्योंकि अगर इतना कॉइन हमारा इकट्ठा मार्केट में आता है जिससे सप्लाई आने वाले समय में मार्केट में बहुत तेजी से आएगी, और जब सप्लाई बहुत तेजी से आएगी तो उस समय हो सकता है कम्युनिटी अगर उतनी तेजी से ग्रो ना हो तो इसका प्राइस नीचे जाए, तो नीचे ना जाए उसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर लगाया गया है जो आपके इस अमाउंट को दो भागों में डिवाइड करता है। अब दो भागों में डिवाइड कैसे करता है कि आपको यहाँ पर एक तो 60% अमाउंट एक साइड आपको निकलेगा और एक साइड 40%, तो जो आपका 40% अमाउंट है उससे आप फार्म की कैपेसिटी यानी कि दोबारा से आप फार्म खरीद सकते हैं, और आपके पास जो यहाँ पर एक कॉइन है तो अब इसका हम जो आपको मिलना है तो उसका हम आपको यहाँ पर 60% यहाँ पर इसका निकाल के दिखाएंगे। तो इसका हम 60% जो हमें यहाँ पर अमाउंट मिलना है तो हम यहाँ पर इसका 60% यहाँ पर करते हैं, तो आपको यहाँ पर 0.0045 आपको यहाँ पर अल्टीमा मिलेगा। अब 0.0045 इसका अगर हम इंडियन रुपीस में निकालने जाएंगे तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक अल्टीमा की वैल्यू है यहाँ पर साथियों $10,000, तो $10,000 से इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 45 USDT। अब 45 USDT, एक USDT को अगर हम सेलिंग के प्राइस पे, क्योंकि साथियों जब भी आप बाय करते हैं तो जो आपको मर्चेंट USDT देते हैं तो 1-2 रुपए हाई रेट पे आपको खरीदने को मिलता है, और जब आप सेल करते हैं तो 1-2 रुपए आपका कम प्राइस पे सेल होता है। तो अगर हम इसका 88 प्राइस पकड़ के चलते हैं तो आपको यहाँ पर 3960 रुपए आपको यहाँ पर निकलता है। अब इसका साथियों आपको यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर आपका 3960 रुपए एक महीने में, तो इसका 1% पे आउट पर डे आपको निकालने का रूल्स है, यानी कि इसका आपको अब हमारे साथ में जितने भी एक्टिव पार्टनर्स आएंगे तो वो इतने एक्टिव पार्टनर्स आएंगे कि डेली अपना खुद का पे आउट उन्हें निकालना होगा या टर्म एंड कंडीशन है, अगर साथियों नहीं निकालते हैं तो उसके उन्हें पनिशमेंट भी मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसका 1% निकालेंगे साथियों, यह 1% अमाउंट हमारा यहाँ पर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 39 रुपए निकल के आता है। अब ये जो हमने आपको यहाँ पर पीपीटी दिखाया था तो इसमें हम एक बार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर 38 रुपए 70 पैसे यहाँ पर फर्स्ट महीने का पे आउट बताएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूएसडीटी का जो प्राइस लिया गया है वो 86 के मुताबिक लिया गया है, क्यों, क्योंकि जब सेलिंग पे इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो 86 तक का भी सेल करने को मिलता है, तो यहाँ पर हमने 86 से कैलकुलेट किया तो इसका 38 रुपए 70 पैसे आया, और यहाँ पर कैलकुलेटर में मैंने आपको यहाँ पर 88 के मुताबिक दिखाया तो आपको यहाँ पर 39 रुपए 6 पैसे आपको पर डे आएंगे। अभी आपको 30 दिन तक लगातार रहेगा, जब मार्केट हमारा ग्रीन जोन में होगा तो यहाँ पर साथियों आपको 1188 रुपए आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं एक महीने में, और पीपीटी में आपको यहाँ पर 1161 रुपए, यानी कि लगभग हमारा वही कैलकुलेशन आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर साथियों कैलकुलेशन निकाली है। अब यही आपका दूसरे महीने कैसे बढ़ जाएगा तो अब हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट था एक महीने का, तो इसमें हम 3960 रुपए ये हमारा टोटल अमाउंट है जिसमें से हमारा यहाँ पर निकल चुका है 1188 रुपए, तो हम इसमें यहाँ पे इसका माइनस करेंगे एक बार, तो आपका दूसरे महीने का भी आपको निकाल के दिखाएंगे जिससे आपको इसके बारे में समझ में आएगा। तो 3960 हम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे 1188, तो हमने 1188 माइनस किया तो हमारा पिछला जो अमाउंट बचा है वो 2772 बचा है, और इसमें हम प्लस करेंगे अगले महीने की मिंटिंग भी हमारी 3960 रुपए इंडियन रुपीस में ही बता रहा हूँ साथियों, तो आपको यहाँ पर 3960 रुपए होगा।
तो अब आपका यहाँ पर जो टोटल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा 6,100, यहाँ पर 6,732 रुपए। इसका आप यहाँ पर 1% डेली निकालने जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो 1% डेली निकलेगा, तो यहाँ पर साथियों आपका निकल के आएगा 67 रुपए 32 पैसे। जो आपको यहाँ पर मैं पीपीटी में अगर दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर 65 रुपए 79 पैसे यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इस कैलकुलेशन से जब आप निकालेंगे, क्योंकि वहां पर रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखाई गई है कि आपको 67 रुपए 32 पैसे आएंगे, जिसका आप यहाँ पर 30 दिन तक आप इसका पे आउट करेंगे, तो आपको जो दूसरे महीने जो आपको पे आउट आएगा वो 2,019 रुपए आएगा, जो यहाँ पर साथियों आपको पीपीटी में जो बताया गया है 1,974 रुपए। तो इसी प्रकार से साथियों इसका यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, आपका ये धीरे धीरे करके हर महीने यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जब भी मार्केट यहाँ पर ग्रीन जोन में होगा। तो इसी प्रकार से तीसरे महीने आपका पे आउट यहाँ पर बढ़ के 2,543 रुपए होगा, वो भी बॉटम के प्राइस पे। आप साथियों यह कैलकुलेशन चेंज हो सकती है, जब चेंज होगी जब पीएलसी सॉरी अल्टीमा का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो ये प्रॉफिट भी आपका बढ़ और घट सकता है। इसके साथ साथ जब मार्केट हमारे येलो जोन में या रेड जोन में होगा, तो भी ये कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से साथियों अगर हम बॉटम के प्राइस से भी लेके चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 3 साल में इसी प्राइस पे आपको यहाँ पर 1,14,255 रुपए यहाँ पर बना के देता है। और ये कब तक देता है साथियों, यहाँ पर आपने 1 महीने से लेके लगातार आपको यहाँ पर 24 महीने तक तो आपका मिंटिंग का कॉइन आना है, जिससे आपका हर दिन का आपका पे आउट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद में जो इसका बचा हुआ अमाउंट है, तो उसका 1% 1% 1% आप अगले 12 और निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 36 महीने तक आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ से पैसा आता रहेगा। फिर उसके बाद जो आपने इसमें फ्रोजन किया हुआ अमाउंट है, यानी कि जो आपने इसमें 0.0025 जो आपने इसमें लोड किया था, ये भी साथियों यहाँ पर आपको 37वें महीने में यहाँ पर आपको ये वापस मिल जाएगा। तो आपके पास अगर मैं टोटल कॉइन की क्वांटिटी बताऊं, तो आप यहाँ पर अगले 37 महीने में 0.1329 यहाँ पर आप कॉइन बना पाएंगे, जिसका 10,000 डॉलर के प्राइस पे आपका 1,14,255 रुपए होता है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि मार्केट येलो या रेड हुआ, तो साथियों यहाँ पर एक पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है कि पीएल जो अल्टीमा है, तो इसका प्राइस आपके लिए 10,000 डॉलर से बढ़ के 12,000 15,000 20,000 डॉलर और भी इससे ऊपर हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ने इसके लिए भी एक इनके स्ट्रेटेजी बनाई है और उन्होंने इसको 50 लेवल तक ले जाने की बात की है। तो 50 लेवल पे हर जगह इसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एक रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी कम है, अभी भी इस कॉइन की क्वांटिटी मात्र 20,000 अल्टीमा की है, और धीरे धीरे बहुत कम क्वांटिटी में मार्केट में यह कॉइन आना है, जिससे कम्युनिटी तेजी से ग्रो करेगी और यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ेगी। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट जैसे ही मान के चलिए कि अगर अगले महीने कॉइन का वैल्यू 20,000 डॉलर हो गया, तो आपका ये प्रॉफिट 2 गुना भी हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा बढ़ता है तो और एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो वो समय के साथ आपका यहाँ पर हो सकता है। यदि अगर 10,000 से नीचे भी आता है, एग्जाम्पल करिए अगर इसका प्राइस 5,000 डॉलर आ गया, मतलब अगर शायद और भी मार्केट डाउन हुआ, तो यहाँ पर आपको और कम भी आ सकता है। तो ये कैलकुलेशन पूरा हमारा कॉइन में है, इंडियन रुपीस में इसलिए बताया गया है ताकि हमारी इंडियन कम्युनिटी को इसके बारे में समझ में आए। तो आशा करता हूँ ये 275 यूरो के पैकेज की कैलकुलेशन आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी, और भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर इस पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू मिस्टर यस सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। अगर इस कैलकुलेशन में अगर कोई भी गलती हुई हो, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करें, और जिन भी पार्टनर्स को समझ में आया है तो इस पे हम काम कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया अल्टीमा के फॉर्म को लेके, उसमें जो भी आपने कैलकुलेशन बनाए ये डीप में कैलकुलेशन है, राइट। हमने फार्म को बाय किया, हमारा 2 साल के अंदर मिंटिंग कितना आ रहा है वो हमने देखा, उसका मंथली कैलकुलेशन हमने देखा, अब ये एकदम डीप में जाके कैलकुलेशन हमने देखा, लेकिन हमें बेसिक बेसिक चीजें समझनी। मान लो अभी हम बॉटम पे कॉइन को बाय कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, 2 साल के अंदर हमारा जो मिंटिंग होके आता है और यहां से कॉइन का वैल्यू 5x और 10x होता है, तो आपके टोटल एसेट की वैल्यू कितनी बन सकती है?
यानी जो कैलकुलेशन आपको 1-1.5 लाख रुपए का दिख रहा है वो कैलकुलेशन 10-11-12 लाख पे भी जा सकता है। यानी हमें ये नहीं सोचना है कि फिर इतना पैसा लगाने के बाद इतना छोटा सा अमाउंट मिलेगा तो फिर इसमें क्या मजा आएगा, राइट? क्योंकि ये एकदम डीप में जाके हम इसको स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट जैसा जैसा ग्रो करेगा ये कैलकुलेशन चेंज होता रहेगा। इन चीजों को समझना है। अगर बेसिक लेवल पे भी हम जाके डीप में समझते हैं तो वर्स टू वर्स कंडीशन के अंदर हमने जो निवेश किया, जो प्रोडक्ट बाय किया, जो पैसा लगाया उसके कंपैरिजन में बाकी मार्केट के जो एसेट्स है क्या वो इतना रिटर्न दे सकते हैं? तो उसके कंपैरिजन में भी आप वर्स कंडीशन में यहां से कुछ ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी हमेशा कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में तभी पैसे लगाता है जब वो देखता है कि मैं कहां से ग्रोथ पा सकता हूं कोई भी चीज खरीदने के बाद। तो ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। जब ये कैलकुलेशन हमें इंडिविजुअल लेवल पे समझ में आएगा तो हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। लेकिन अभी आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट है वो बना नहीं है। लेकिन आप कैलकुलेशन समझेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ते जाएगा और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हर कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और तब वो प्रोडक्ट बाय करेगा। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो योगेश जी ने कैलकुलेशन दिया वो आपको खुद को 2-4 बार पेपर पे लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर जाके लोगों के सामने उसको रखना पड़ेगा। फिर लोगों को उससे कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको भी लगेगा नहीं जो मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ उससे मेरा फ्यूचर में ग्रोथ बन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। अभी मैं यहाँ पे कुछ लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जिन्होंने ये कैलकुलेशन देखा और उन्होंने अपना भी कैलकुलेशन पहले से कर रखा है। तो इसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिशनल क्या एड ऑन कर सकते हैं? कौन लीडर्स के अंदर कुछ एड ऑन करना चाहेगा जिन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किए हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें और क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? सुखदेव सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर कैलकुलेशन में एक छोटा सा बस मैंने इसलिए अंडरस्टैंड किया था कि डैशबोर्ड फार्मिंग होगी और उसमें जोगेश जी ने बोला कि लास्ट पे जो कॉइन फ्रीज किया वो भी 37वें महीने हमें वापस मिल जाएगा, तो क्या वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्स की डैशबोर्ड फार्मिंग में ये कहा गया था कि जो फ्रीज कॉइन है वो वापस नहीं मिलेगा, तो ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी। देखो जब भी हम कोई स्टेकिंग करते हैं ना वो हमारा एसेट होता है, राइट? तो वैसे तो वो एसेट हमें वापस मिलना चाहिए होता है और स्टेकिंग के अंदर हमेशा वो एसेट वापस ही मिलता है। तो एक्स के अंदर ऐसा कहां लिखा था? थॉमस सर आप इसके ऊपर सजेस्ट कर सकते हैं एक मिनट। अगर टेक्निकली किसी ने एक्स के फॉर्म को स्टडी किया है या अल्टीमा का फॉर्म हमने लिया है या हम पहले हमारे पास पीएलसी का फॉर्म सर डैशबोर्ड फार्मिंग के अंदर हमें हमारा एसेट नहीं मिलता था। अच्छा हाँ, वो बहुत क्लियरली मेंशन था ये। तो अभी ये कंफ्यूजन जो सुखदेव जी ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अगर डैशबोर्ड फार्मिंग है तो उसमें क्या हमें हमारा जो कॉइन है स्टेक्ड कॉइन है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्लैरिटी तो है कि स्टेक्ड हमारा कॉइन डैशबोर्ड फार्मिंग में नहीं मिलता। तो एक्स के टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा था? हाँ सर डैशबोर्ड के फार्म में था, वहां मेंशन किया गया था। अल्टीमा का फॉर्म भी तो डैशबोर्ड फॉर्म है तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे होंगे। अरे उस समय शायद इसलिए किया गया होगा। सर सुनिए, एक्स में जो आया था एक्स में डैशबोर्ड फार्मिंग ही आया था, अल्टीमा में डैशबोर्ड फार्मिंग नहीं था। नो नो नो, पीएलसीयू में डैशबोर्ड फार्मिंग नहीं था, एक्स में आया था। हां तो वही अल्टीमा में डैशबोर्ड फार्मिंग ही है ना? हां डैशबोर्ड फार्मिंग है तभी तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजन है। यस सर। गुड मॉर्निंग आकाश हियर। आकाश भाई यस गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जो संजू सर बोल रहे हैं मेरी वॉइस ठीक है सर? हाँ परफेक्ट है। ठीक है, जो संजू सर बोल रहे हैं वो भी ठीक है और जो सर का क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक मैं इसको थोड़ा सा ना डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो पीएलसीयू एक्स की हम डैशबोर्ड फार्मिंग कर रहे थे सर, वहां पे हमने कॉइन स्टेक नहीं किया था, हमने वो कॉइन का पैकेज बाई करके डैशबोर्ड फार्मिंग किया था। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हमें 0.01x उसमें फ्रीज करना था, तो हम वहां पे 0.01x ही डालते थे, हम उसके इक्विवेलेंट हम पीएलसीयू कंपनी को बेचते थे, उसको बाई करते थे, उसका पैकेज बना हुआ था। लेकिन अभी हम कॉइन को स्टेक करने वाले हैं, तो जहां तक स्टेकिंग का सवाल है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टेक किया हुआ अमाउंट हमें वापस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा सर। बाकी आज एलेक्सर का वेबिनार भी है
5:30 बजे से, तो उसके अंदर और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एलेक्स सर का वेबिनार का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया सबको, सारे लीडर्स टेलीग्राम में जाके। बाकी ये जहां तक है, क्योंकि हमने ना लास्ट जो डैशबोर्ड फार्मिंग के लिए हमने एक्स का पैकेज बाई किया है डैशबोर्ड फार्मिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे वहां पे हम पहले फार्म अलग खरीदते थे और एक्स लोड करने के लिए पैकेज अलग खरीदते थे, लेकिन इस बार हमने अल्टीमा का पैकेज फार्म बाई कर लिया, लेकिन अल्टीमा को लोड करने के लिए हम कोई पैकेज बाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी कॉइन है जिसको हम कॉइन बिट से बाई करेंगे, तो मोर देन चांसेस है कि हमें ये वो वापस मिलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि एक्स का जो फार्म था या यक्स जो कॉइन था उसको एक फिक्स रेट पे लॉक किया था, राइट? तो फिक्स रेट पे लॉक होने की वजह से शायद उसके अंदर उन्होंने उस तरह का कैलकुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन डाला होगा कि इसका जो स्टेकिंग का कॉइन है वो वापस नहीं मिलेगा। तो PLCU के अंदर उसका रेट फिक्स नहीं था, अल्टीमा के अंदर उसका रेट फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे वो स्टेकिंग का जो कॉइन है वो शायद हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपनी अगर स्टेकिंग करती है तो स्टेकिंग के अंदर जो आपका एसेट है वो आपको वापस मिलता है। मान लो आपने बैंक में 1,00,000 रुपए की FD की, आपको 7% साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, अब 7% आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगले साल गए सर मुझे मेरा FD विड्रॉ करना है, बोले नहीं मिलेगा वो तो एक्सपायर हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपने जो एसेट को स्टेक किया वो आपका खुद का पर्सनल एसेट। तो एक्स के अंदर अगर ये कैलकुलेशन दिया गया कंपनी ने तो उसका कारण है कि उसको एक रेट पे फिक्स किया गया था, तो शायद उसकी वजह से वो आपको वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी होगी, लेकिन अल्टीमा के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर हम एलेक्स सर के साथ डिस्कशन करेंगे और कल परसों फिर उसको दोबारा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है सुखदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधीर सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मैं इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि अभी 2-3 चीजें बहुत क्लियर समझने वाली चीजें हैं और लीडर को समझना ज्यादा जरूरी है। अभी जो हमारा कॉइन स्टेक हो रहा है ये 3 साल बाद आपको वापस मिलने वाला है, कंपनी ने क्लियर लिखा है, जो अभी आप अल्टीमा टोकन के कॉइन को डाल रहे हैं वो आपको 3 साल के बाद वापस मिलेगा, कोई बर्निंग का नहीं है। एक्स के साथ भी 2 चीजें थी, ये सब लोगों को बहुत क्लियरली वो होना चाहिए। जब हमने शुरू में एक्स के उसको फार्म को परचेज किया था तो हम उसके अंदर जो कॉइन डाल रहे थे वो हमें वापस मिलेगा, और बीच में कंपनी ने जनवरी या फरवरी के बाद डैशबोर्ड फार्मिंग शुरू की थी। आप समझिएगा उसमें भी 2 चीजें थी, एक एप्लीकेशन फार्मिंग, एक डैशबोर्ड फार्मिंग। अगर आप एप्लीकेशन फार्मिंग से कॉइन को डाल रहे थे तो वो आपको 100% वापस मिल रहा है एक्स का, और अगर आपने डैशबोर्ड फार्मिंग से डाल रहे थे तो वो आपका बर्न हो रहा था। ये सब चीजें थी और यही काम यहाँ पर भी होने वाला है कि डैशबोर्ड फार्मिंग होगी, लेकिन इसमें भी अभी जैसे आकाश सर ने बताया, बहुत अच्छी चीज बताई कि जिन डैशबोर्ड फार्मिंग में हमें अपनी मनमर्जी से कॉइन डालने का मौका नहीं था, यानी सपोज हमने किसी ने 1,00,000 का फार्म खरीदा और हमने एप्लीकेशन फार्मिंग करी तो मैं उसमें 10,000 के भी कॉइन डाल पा रहा था, 15 के भी डाल पा रहा था, 20,000 के भी डाल पा रहा था, लेकिन अगर हमने डैशबोर्ड फार्मिंग में जा रहे थे तो उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट खरीदनी पड़ रही थी वहां से यूरो के फॉर्म में, 110 यूरो का फार्म, 110 यूरो का ही उसके अंदर कॉइन का वैल्यू का वो डालना पड़ रहा था। इस तरीके से वो चीजें थी, तो वो चीज यहाँ पर नहीं अभी फिलहाल एज पर एज वो नहीं है, लेकिन यहाँ कॉइन आपको 100% 3 साल में वापस मिलने वाला है। और एक्स में भी अगर आपने एप्लीकेशन फार्मिंग में की है तो वो आपको वापस मिलेगा, डैशबोर्ड फार्मिंग में की है तो वो आपका बर्न होने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने और ज्यादा क्लैरिटी कर दी सबकी। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, राइट? जिन लोगों ने एक्स का जो स्टेकिंग किया था वो फार्म के थ्रू किया था, वॉलेट के थ्रू किया था, तो उनका एसेट उनको वापस मिल सकता है, लेकिन जो बाद में चेंजेस आ गए और कॉइन के रेट को फिक्स किया गया तो वहाँ पे शायद वहाँ पे उसको लॉक किया होता। तो अल्टीमा के अंदर बिल्कुल वैसा ही है कि हम एसेट को बाय कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, और वो एसेट हमारा जैसे हमारा फार्म का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद वो हमें वापस मिलेगा, राइट? हमने जो सीड डाला था उसका प्रोडक्शन भी आ गया, उसके साथ लास्ट में हमारा सीड भी आ गया। अब हम देखते हैं कि PLCU का हमने लास्ट ईयर जो स्टेकिंग किया था तो मैक्सिमम लोगों के जो 12 महीने पूरे हो गए उसके बाद वो कॉइन उनका वापस मिल रहा है, वो फार्म से आप उस कॉइन को विड्रॉ ले सकते हैं। तो अभी क्लासिक हो गया, तो कई सारे लोगों का क्लासिक उनके फार्म के अंदर आया होगा 12 महीने पूरे होने के बाद। ऐसा किसी का है 12 महीने पूरे हो गए लेकिन क्लासिक नहीं दिख रहा है फार्म के अंदर? 12 महीने किसके पूरे हो गए?
जी यस सर। हाँ जी आकाश भाई जी सर, क्लासिक का ना, क्लासिक का क्लासिक कॉइन की बात करें तो 12 महीने पूरे हो गए हमने लास्ट ईयर जब PLCU का फार्मिंग स्टार्ट किया था राइट 2022 दिसंबर में सॉरी जनवरी में राइट 14 जनवरी के बाद हमारा स्टेकिंग स्टार्ट हुआ था 2022 राइट 14 जनवरी से 14 जनवरी 2023 12 महीने पूरे हो गए फरवरी मार्च तो उसके बीच में जिन्होंने स्टेकिंग किया था PLCU का जो अभी क्लासिक का फार्म दिख रहा है वहां पे राइट उनका 12 महीने पूरे होने के बाद क्या वो जो सीड था वो वापस उनको मिल गया उनके फार्म के अंदर राइट सर राइट वो सब फार्म में वापस आता है फार्म के अंदर क्योंकि मेरे जितने भी फार्म है उसमें 12 महीने जिसके भी पूरे हो गए उसका सीड वहां पे अवेलेबल है राइट भले वो क्लासिक बन गए लेकिन वहां पे वो अवेलेबल है तो ऐसा ही सेम अल्टीमा के साथ हो सकता है क्योंकि आपने जो सीड लिया वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको वापस मिलेगा और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्टेकिंग के वो सारी कंपनी के लिए एक जैसे होते हैं जब एक्स को डैशबोर्ड के ऊपर एक फिक्स रेट पे लॉक किया गया था तो उस वक्त उसके रेट को वापस कमिटमेंट जो था स्टेकिंग को वापस करने का वो शायद उन्होंने उसको फ्रीज किया होगा क्योंकि उसको एक फिक्स रेट पे लॉक किया था तो ये कंफ्यूजन था जो क्लियर हो चुका है और दोबारा एलेक्स सर को एक बार पूछेंगे कंफर्म करेंगे ताकि और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें हमेशा हमारे पास कोई भी चीज का क्लैरिटी नहीं है तो हमें उसके प्रेडिक्शन लगा के आगे नहीं बढ़ना है उसको क्लियर करना है ताकि हम सही तरीके से लोगों को मैसेज दे पाए तो फिर लोगों को कोई परेशानी ना हो उससे ओके तो हमने आज सेकंड प्रोडक्ट का कैलकुलेशन देखा थोड़ा बहुत ओरल डिस्कशन किया कुछ चीजों के ऊपर ताकि सबको क्लैरिटी मिले जिसके पास जो भी स्टडी है अपना उस हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं तो बाकी सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है और यही सुबह के सेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो नए लोग हैं या जिनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है एड ऑन हो जाती है और वही मार्केट में जाके हम लोगों के साथ उसको यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं और सही तरीके से लोगों को मार्केट में जानकारी दे सकते हैं तो जूम पे आने का यही बेनिफिट होता है अभी कुछ लीडर से बात करेंगे सबका क्या व्यू चल रहा है मार्केट को लेके एक तो सबके मन में एक पैनिक पोजीशन होगी कि जो पुराने लोग हैं जिनके पास क्लासिक का मिंटिंग आ रहा है जिनके पास एक्स का मिंटिंग आ रहा है उसका जल्द से जल्द हमें सॉल्यूशन दिया जाएगा तो हम और अच्छा काम कर सकते हैं राइट तो ये सबको लग रहा होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आने वाला है और जब सॉल्यूशन आएगा तो उसमें सबका बेनिफिट होने वाला है लेकिन ये सॉल्यूशन आने के लिए और कुछ दिन लगने वाले हैं वो 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉइन लॉन्च हो जाएगा उसका स्वैपिंग स्टार्ट हो जाएगा लेकिन तब तक हमें वेट एंड वॉच करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं तो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जब स्वैपिंग आएगा वो अपना काम करेगा तो स्वैपिंग आने के बाद ही मेरा काम बनेगा ऐसा अगर आपका सोच रहे हो तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा स्वैपिंग आने के बाद भी आपकी सोच वही बनेगी अब इससे भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर और ज्यादा पैनिक हो जाएगी तो अल्टरनेट आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे और आपको अल्टरनेट अपने काम को आगे बढ़ाना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो कुछ लीडर से बात करते हैं जो सीनियरियो मार्केट का है उनको समझते हैं कि किस तरह से अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ने का प्लानिंग हो रहा है तो नया पोटेंशियल हमारे सबके पास है जितने भी लीडर्स जिनके पास जेड के ऊपर के रैंक्स थे और उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा सारे लीडर्स की काउंसलिंग करके पूरी टीम की काउंसलिंग करके अल्टीमा का फॉर्म हम सबको देते हैं राइट हर कोई 110 यूरो का अल्टीमा का फॉर्म बाय करता है या 250 यूरो का बाय करता है या 550 का बाय करता है या 1100 का बाय करता है तो उसका तो बेनिफिट उनको मिलने वाला ही है लेकिन वो पुराने लोगों को एक प्रोडक्ट रिकमेंड करने से आपके स्ट्रक्चर में जो बिजनेस आएगा उस बिजनेस से आपके रैंक दोबारा क्वालिफाई होने मान लो किसी के पास 100-200 लोगों की टीम है वो रूबी या एमराइड के रैंक पे बैठे और उन्हीं 200 लोगों में से कुछ लोगों ने दोबारा नया फॉर्म बाय किया तो उसी टर्नओवर से आपका 5000 यूरो का बिजनेस होगा आप जेड बन जाएंगे आप 10000 यूरो का बिजनेस होगा आप पल बन जाएंगे पुराने बिजनेस से तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम सबके पास है तो अगर हमने सारे टीम से बात करना शुरू कर दिया उनकी काउंसलिंग कर दी तो हम दोबारा उस रेवेन्यू को ले सकते हैं और वो पूरा का पूरा आपको USDT में मिल रहा है तो आज यहाँ पे हम डायमंड से डिस्कशन कर लेंगे जितने भी डायमंड्स यहाँ पे है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि करंट सिनेरियो के ऊपर हम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बात कर लेंगे जो भी डायमंड्स अब
अपना व्यू रखना चाहते हैं, अपना हैंडल्स कर सकते हैं कि इस वक्त उनके साथ, उनके टीम के साथ जो सीनेरियो है उसमें क्या चीजें ऐड होने से और ज्यादा टीम ग्रो कर सकती है, या अभी जो एक्टिव पार्टनर्स उनकी क्या मानसिकता है। जो भी डायमंड्स अपना व्यू रखना चाहेंगे आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, नीरज नामदेव जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 110 यूरो का फार्म जो भी आया है तो उसकी जो कैलकुलेशन सर मैं दोबारा से अगर उसको बताया जाए 2-3 बार तो क्या है सभी लोगों को समझ में आ जाए, भी कैलकुलेशन क्लियर नहीं हो रही है सर। कोई दिक्कत नहीं, ये डेली रिपीट होगा राइट। कल 550 का करेंगे, फिर दोबारा 110 का करेंगे, फिर 250 का करेंगे, अगले 8-10 दिन कंटिन्यू करते रहेंगे जी। क्या सर कि टीम को अभी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है तो टीम को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अभी उस पर फोकस नहीं डाल रहा है कोई भी। फोकस इसलिए नहीं डाल रहे, उसका कारण है क्योंकि हमने अभी उस प्रोडक्ट को इतना सीरियस नहीं लिया जी राइट। हम अभी वेट एंड वॉच कर रहे कि स्टेकिंग चालू हो जाएगा या फिर स्मार्ट कॉइन का स्वैपिंग आएगा, उसके बाद अच्छा माहौल बनेगा। हम क्या, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने टीम से करवाना है जी राइट। तो वो सबकी मानसिकता बन चुकी है। तो जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आपकी टीम के लोग एक्टिव नहीं होंगे। 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चल जाएगा। अभी नॉर्मली बेसिक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको 110 यूरो का अल्टिमा का फॉर्म खरीदना, उसके लिए इतना INR लगता है, उसका स्टेकिंग करने के लिए इतना कॉइन लगता है। लेकिन उसका फोकस हमारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है कि ये 17 तारीख को जो अल्टिमा का फार्म का साइज मिल रहा है वो डिक्रीज होने वाला है राइट, या 17 तारीख के बाद अल्टिमा के रेट में ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। अल्टिमा का रेट 11,000-12,000-15,000 जा सकता है, तो जैसे वो पोजिशन आ जाए हम सब जाग जाएंगे। अभी हम एकदम कम्फर्ट जोन में बैठे कि हम ये सोच रहे कि एक्स का थोड़ा सा लिक्विडिटी हो जाए, एक्स को विड्रॉ करने का मौका मिल जाए, क्लासिक को विड्रॉ करने का मौका मिल जाए राइट। यानी आसान तरीके से पैसा कहां से आ सकता है उसके ऊपर हमारी नजर है। अल्टिमा का फार्म आ गया, अल्टिमा का ICU आ गया, उसके ऊपर हमने अगर अभी थोड़ा सा प्लानिंग कर लिया, कैलकुलेशन कर दिया, नए लोगों को मिलना शुरू कर दिया पुराने लोगों से थोड़ा सा हटके, तो वहां से आपको एक नई एनर्जी मिल जाएगी। मान लो आज जाके आपने 4 नए लोगों को प्लान दे दिया जिसको प्लेटिन वर्ड पता ही नहीं, और उसमें से 2 ने हाँ बोल दिया, तो दूसरे दिन से आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। आप फिर नए 4 लोगों को जाके मिलेंगे, फिर नए 4 लोगों को जाके मिलेंगे, और वो जो 2-4 लोग आपके साथ नए ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे और उनको आपने मार्केटिंग का प्लान समझा दिया, तो वो फिर सुबह से शाम तक आपको बिजी कर देंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट है काम करने में। लेकिन हम उस सिनेरियो अभी पहुंचे नहीं है। हम डिपेंड किसके ऊपर है, एग्जिस्टिंग टीम के ऊपर डिपेंड है। हम डिपेंड किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कंपनी स्वैपिंग लेके आएगी तो मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा, एक्स का ट्रेड हो जाएगा तो मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से अभी हम बेटर इन्वेस्टमेंट बैठे, लेकिन हमें एक्शन लेना है नए लोगों के ऊपर। जब आप नए लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, आप मार्केट में जाके जब किसी नए बंदे से बात करेंगे जिसको कुछ भी पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे जाके, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और जब आप बोलेंगे तो सामने वाले को कुछ पता नहीं, आप जो भी बोल रहे आपको पता है आप सही बोल रहे या गलत बोल रहे, लेकिन जब जब आप बोलना शुरू करेंगे तब तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज अभी तक समझ में नहीं है या क्या चीज आप भूल रहे हैं। फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2-4 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा। आप सुबह के जूम को मैच करेंगे, शाम के जूम को मैच करेंगे कि हाँ ये चीजें बोली जा रही है, ये नहीं बोल रहा था। तो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होने वाला है। आप डेली आके जूम सुनोगे और किसी को जाके प्रोडक्ट समझाओगे नहीं, तो वो जो कंटेंट आपने कंज्यूम किया वो बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन आपको किसी के ना किसी के पास जाके आज आप जाके अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ जाके प्रोडक्ट समझाओ,
आपको लगेगा नहीं मेरे को समझ में नहीं है तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन आप एक नए आदमी के पास चले जाएंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऑफलाइन के साथ जाओगे तो आप वहां पे भी बोल नहीं पाओगे, आप अकेले जाओगे तो आप बिंदास बोलोगे, और जब बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई, फिर दोबारा आप उसको करेक्ट करेंगे। तो हम सबको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, मार्केटिंग का प्लान समझाना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट का पोटेंशियल समझाना पड़ेगा, तो उससे लोग अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे बिजनेस आना शुरू होगा। आकाश भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नहीं एक्चुअली वो सर मैं कुछ नहीं सर, मैं तो डायरेक्टली वो ऐसे हंड्रेड हो गया था। ओके चलो ललित त्यागी सर को इनवाइट करते हैं और इस सेशन की आज क्लोजिंग करते हैं। हर दिन एक बड़े लीडर को हम सुनेंगे ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ललित सर आपका स्वागत है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। एक तो सर मैं यही बताना चाह रहा था कि जो आप जो बोल रहे थे कि पीएलसी यूसी जिसका स्टैक था तो सर वो फार्म के ऊपर आ गया है सबका, राइट। और सर वो जो कंफ्यूजन था डैशबोर्ड फार्मिंग का, तो सर डैशबोर्ड फार्मिंग कंपनी ने हमें जनवरी में मौका दिया था और क्लियर के अंदर मेंशन था कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ओके जब भी हम कॉइन सर बाहर से लेके खरीद के डालेंगे अपने फार्म के अंदर तो वो हमेशा वापस मिलेगा, क्योंकि सर अभी आपको पता है कि कल को अगर मार्केट रेड होती है या मार्केट येलो होती है तो जो कॉइन हमारा वहां वापस हमें फ्रीज करना है तो वो भी हमें 3 साल बाद वापस मिलने वाला है। परफेक्ट, ये बिल्कुल क्लियर है। और सर आज एलेक्स सर हमारे बीच में आने वाले हैं सर शाम को, और बहुत सारी नई अपडेट हमें मिलेंगी। और सर अभी 5-6 दिन रह गए हैं, 5-6 दिन बाद जब लोग स्टैकिंग करनी शुरू कर देंगे तो सर और एक्साइटमेंट आएगा, क्योंकि उसका भी सर एक अपना अलग, जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई आज मैंने फार्म में कॉइन डाल दिया, अब मेरे 30 दिन रह गए हैं या मेरे 25 दिन रह गए हैं, तो उससे भी व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम करता है। तो सर पूरा मेहनत से काम चल रहा है सर, आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडेंस में सुबह से लेकर शाम तक सर 8 जूम सेशन सर हमारे चल रहे हैं अलग अलग, जिसमें अंकुश सर अलग कर रहे हैं, ज्योति जी अलग कर रही हैं, आकाश भाई अलग कर रहे हैं, रामनिवास जी अलग कर रहे हैं, शुभम भाई अलग कर रहे हैं। तो सर इसी तरीके से अलग अलग टीम अपनी अलग अलग जूम सेशन कर रही है, सब लोग वहां पे पीपीटी दे रहे हैं, क्योंकि सर नई पीपीटी सर कंपनी ने अवेलेबल करा दी थी 15 दिन पहले ही, तो उसी के ऊपर सर प्लान चल रहा है। और सर लोगों को सर अभी हम लोग यही कैलकुलेशन दे रहे हैं सर कि आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बाय किया, जैसे कल आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कल जूम के ऊपर कि हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई कंपनी में RDFD नहीं कर रहे हैं, और जब हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो कंपनी हमसे एक प्रोडक्ट के उसकी कीमत ले रही है, कल को उस प्रोडक्ट को जब हम यूज करेंगे तो वहां से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यही सर हम लोगों को कैलकुलेशन दे रहे हैं। अभी बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था सर 11,000 के फार्म पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मंथली, तो सर हमने उनको बोला भाई ये मंथली प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर घंटे हर सेकेंड हर मिनट पैसा बना सकते हो। और सर यहाँ पे 2 चीज सर बिल्कुल निश्चित है जो आज तक सर पिछले 4.5 साल में मैंने भी महसूस की है, जिसकी मैं भी जिम्मेदारी ले सकता हूँ और आपने भी महसूस की है, और वो दोनों चीज क्या है। पहली चीज तो ये कि जो कंपनी प्रोडक्ट देती है सर वो 100% रिजल्ट देता है। आज हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं 500-700 जिन्होंने भी कोई भी मिंटिंग बोर्ड बाय किया, चाहे वो एक्स का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे वो यू का हो, सर 100% सबको वहां से मिंटिंग होकर आया है उनका कॉइन। मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं सर मेरे मिंटिंग बोर्ड ने काम नहीं किया। तो एक तो यहाँ बिल्कुल ये निश्चित है, और दूसरा सर जो हम वर्किंग करते हैं यहाँ पे, जो कंपनी हमें बोनस देती है, हमारी रैंक बोनस देती है, हमारा लेवल बोनस देती है, वो भी सर 100% निश्चित है। आज सर सबको मौका दे दिया, क्योंकि सर मेरी भी ये शिकायत थी, आपकी भी ये शिकायत थी कि पिछले साल जितनी भी रैंकें आई वो यू में आई, उनका सी हो गया, और आज सी की वैल्यू क्या है, उससे पहले हमारी रैंकें पीएलसी में आई थी उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद रैंकें एक्स में आई, आज कहीं सेलिंग में प्रॉब्लम है। लेकिन एलेक्स सर ने सर इस दर्द को हमारे समझा और वापस मौका दे दिया कि अब आप जेड से वापस USDT में अपनी रैंकों को बना सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चीज है। अभी सर हमारे सामने थोड़ा सा चैलेंज आया, क्योंकि सर आपको पता है सर हमारी मानसिकता वही रही टीम को सपोर्ट करने की, तो जो भी अपना पर्सनल बिजनेस आया नीचे टीम के नीचे देते चले गए, तो 2 ही लैग पे हम लोगों ने काम किया, लेकिन कोई इशू नहीं है सर, जब 2 को चला सकते हैं तो 3 को भी चला सकते हैं।
अभी सर वापस हमने काम करना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे सर चीजें हमारी होंगी, क्योंकि सर अभी जो टीम के माध्यम से पहले टीम के साथ काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल पे तब जाएंगे जब हमारी टीम यहाँ पे समझ जाएगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा लोगों को समझने में टाइम लग रहा है। और सर जो कुशवाहा जी ने आज जो पूरी कैलकुलेशन दी है वो बहुत अच्छी है, और सर साथ में सर ने उसमें डिस्क्लेमर भी दे दिया कि अगर रेट बढ़ता है या घटता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि बहुत एक्साइटमेंट है सर टीम के अंदर, और सर ये जो नया जो कंपनी ने हमारे लिए प्लान डिजाइन किया है, इवन जो वर्किंग प्लान है वो भी बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक तो कल के पॉइंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया कि हमें इसको इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं समझना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई एक पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम रिपीट करते हैं तो और ज्यादा लोग उससे ओपन हो जाते हैं और लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो यही एक प्लस पॉइंट होता है कि लीडर्स जब डिस्कशन करते हैं तो हर किसी के पास एक पॉइंट से एक क्लू मिल जाता है। जैसे त्यागी सर ने आज कहा कि कल मैंने एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया था कि इसको हमें इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म नहीं समझना, तो जब आज उन्होंने फिर दोबारा उसको डिस्क्राइब किया तो हमें क्लिक हो गया कि हमें इसको इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म नहीं समझना। दूसरा, त्यागी सर ने एक पॉइंट लिया कि बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि 110 यूरो के फॉर्म में तो कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये पॉइंट भी समझने जैसा ही है। अगर वो पॉइंट आज वो नहीं बोलते तो शायद मैं उसके ऊपर फिर दोबारा नहीं बोलता था। कल मैं वो पॉइंट अगर नहीं बोला होता कि ये प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग का नहीं है तो त्यागी सर आज उसके ऊपर नहीं बोल पाते। तो हमेशा एक लीडर के पास से अगर कोई पॉइंट मिलता है और उसके ऊपर हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो दूसरे लीडर को उसके ऊपर आके डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। तो 110 यूरो का फॉर्म, उसका जो मिंटिंग आ रहा है उसका कैलकुलेशन हमने कल देखा, फिर दोबारा हम देखेंगे, दो चार दिन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उससे वो अमाउंट कितना छोटा है। हमें लगता है यार इतने छोटे अमाउंट के लिए कौन आएगा और इतने छोटे अमाउंट के लिए कौन काम करेगा, राइट? लेकिन आपको अपनी मानसिकता को चेंज करना। आप अगर क्रिप्टो बाजार में आके एक्सचेंज पे जाके पैसे लगाते हो तो आप कितने पैसे लगाते हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया? किसी ने अगर किसी एक्सचेंज पे जाके कोई बिटकॉइन या इथेरियम या कोई डॉजकॉइन खरीदा होगा तो कितने अमाउंट का खरीदा है? 2-5, 10,000 रुपए का खरीदा होगा। अब जब 10,000 का खरीदा आपने तो दूसरे दिन ओपन करके देखा तो कितना बढ़ गया, तीसरे दिन ओपन करके देखा तो कितना बढ़ गया, एक महीने के बाद ओपन करके देखा तो कितना बढ़ गया, 100 रुपया ज्यादा या 100 रुपया कम, राइट? उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। उसमें जो भी होना है वो 2-3 साल में होना है, वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं होना है। आपने 110 यूरो का फॉर्म बाय किया, आपने जो प्रोडक्ट बाय किया वो आपको पॉइंट को प्रोड्यूस करके देने वाला है, 5-6 गुना उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने वाला है, और अगले 2-3 साल के अंदर उसका अगर वैल्यूएशन मार्केट में 2x, 3x, 4x हो जाता है तो आपको अच्छे रिटर्न देने वाला है। इन बिटवीन आपको ये प्लेटफॉर्म एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहां से आप बड़े इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि वो पॉइंट का रेट कितना होगा, उससे डेली का कितना आएगा। उसके ऊपर अगर आपका फोकस होगा तो आप यहाँ पे बड़ा ग्रोथ नहीं पाएंगे। तो हमें लोगों का माइंडसेट बनाना है कि प्रोडक्ट तो आपके लिए एक एंट्री है, आपने क्रिप्टो को समझना है, उसके लिए आपने प्रोडक्ट लिया। बाद में जब आप प्लेटफॉर्म से पैसे कमाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, आपकी मिंटिंग की साइज बढ़ा सकते हैं, मिंटिंग की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो इन चीजों पर हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी को देखना है जहां से हम अगले 5 साल के अंदर जेड से डबल प्लैटिन डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड जा सकते हैं, जहां से हम 10 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट बाय करते हैं जो 3 साल के अंदर आपको 50 हजार रुपए बना के देता है, आपने 110 यूरो का फॉर्म बाय किया, स्टेकिंग किया और 3 साल के अंदर उसका मिंटिंग होकर पूरा वापस आ गया और 50 हजार रुपए की वैल्यू आपकी हो गई, तो 50 हजार में क्या हमारी जिंदगी बदलने वाली है? नहीं है। लेकिन अगले 3 साल के अंदर आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया और 3 साल के अंदर आप डायमंड बन गए, राइट? और आपका महीने का टर्नओवर 1 करोड़ का चल रहा है तो आपका महीने का इन्फिनिटी कितना आता है? 15-16 लाख रुपए। तो आप 20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट बाय करने के बाद, उस प्रोडक्ट को समझने के बाद 15-16 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं या 3 साल के अंदर 20-22 हजार रुपए का 50 रुपए लेना चाहते हैं? इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए एक्टिव पार्टनर बनके तो आपका माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए कि आपको डेली जाके एक्टिव पार्टनर को ही ढूंढना है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर आप डेली 2-4 लोग को लेके आ सकते हैं जो एक्टिवली काम करना चाहेंगे। साल भर के अंदर आपके पास हजारों लोग का नेटवर्क बन सकता है जो इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली काम कर सकता है, और जब सारे के सारे लोग आपके टीम के अंदर एक्टिव पार्टनर्स होंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले साल मेरा प्लैटिन डायमंड का जो रैंक बोनस आया था, डबल प्लैटिन डायमंड का जो रैंक बोनस आया था, तो आप देख लो कि प्लैटिन डायमंड पे कितना था और डबल प्लैटिन डायमंड पे कितना था। उतना पूरा का पूरा मैंने रैंक बोनस को उठा के फार्म में डाल दिया,
और उससे मैंने 1000 पॉइंट बना लिए। अब वो 1000 पॉइंट का वैल्यू कितना है, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले एक साल भर के अंदर जो कम्युनिटी बढ़ी है उससे जो अगले 5 साल में रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो उससे 10 गुना बढ़ा रहा है। तो ये निर्भर करता है आपके सोच के ऊपर, क्योंकि मेरा फोकस कभी भी कॉइन के मिंटिंग के ऊपर या उसके ग्रोथ के ऊपर नहीं है। मेरा फोकस है डबल प्लैटिन डायमंड से ट्रिपल प्लैटिन डायमंड, मेरा फोकस है ट्रिपल प्लैटिन डायमंड से बिलियन डायमंड रैंक, राइट, जिसके बीच में जो रेवेन्यू है वो इतना बड़ा है कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं। और आप किसके बारे में सोच रहे, 110 यूरो का फार्म खरीदी करूंगा तो 30 रुपए डेली का आएगा, तो 30 रुपए में क्या आप चॉकलेट खाओगे या भेलपुरी खाओगे? अभी भेलपुरी भी नहीं मिलती 30 रुपए में आज की डेट में। तो हमारा फोकस बड़े काम पे होना है, और ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हम बड़ा काम नेटवर्क बिल्ड करके ही कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो तो वो आपके लिए बाय प्रोडक्ट है, भले वो 50,000 का करो, 1,00,000 का करो, 2,00,000 का करो, 5,00,000 का करो, उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आप अगर बोलो मेरे पास 5,00,000 रुपए है, मैं 5,00,000 अल्टीमा का फार्म खरीदता हूँ, तो क्या मैं इससे बैठ के खा सकता हूँ? आप बैठ के खा सकते हैं अगले 2 साल, उसके बाद क्या? लेकिन आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट का पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गई, तो आप जिंदगी भर बैठ के खा सकते। तो ये चीज के ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। अलेक्स सर का वेबिनार हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी सीरियस लीडर्स आपके टीम के अंदर है जो जूम के सेशन में नहीं है, उनकी कॉलिंग करके काउंसलिंग करो कि सर आप कुछ भी करके आज 10-20 लोगों को जूम पे लेके अलेक्स सर के सेशन के अंदर, ताकि उनको नए अपडेट्स मिलेंगे। हो सकता है कंपनी का नया पीपीटी आज हमको मिलेगा, जिसके अंदर पूरे के पूरे अल्टीमा के फार्म के जो कैलकुलेशन है, वो जो कंफ्यूजन था हमारा कि जो स्टेकिंग करने के बाद हमारा कॉइन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके सारे डिटेल्स आज के वेबिनार में मिल सकते हैं, क्योंकि आज का वेबिनार सबसे इंपॉर्टेंट वेबिनार है। अगले 4 दिन के अंदर स्टेकिंग स्टार्ट होने वाला है, और इस महीने के अंदर कंपनी क्या क्या अपडेट्स लेके आने वाली, क्योंकि अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ आ रहा है मई, 27 मई को यूरोप का इंटरनेशनल कन्वेंशन जहां पे पूरे दुनिया के लोग जाने वाले, उसका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है और वो जर्मनी के अंदर है, राइट, तो जर्मनी का कैपिटल सिटी है बर्लिन। तो 3,000 से ज्यादा लोग उस कन्वेंशन में जाने वाले पूरे दुनिया से। तो उस कन्वेंशन के पहले कंपनी का जो तैयारी होगा मार्केट के अंदर का बहुत बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा माहौल पूरे वर्ल्ड में बनने वाला, राइट। और जैसे बड़ा माहौल बनेगा मार्केट के अंदर बड़ी लिक्विडिटी आएगी, तो पुराने सारे लोगों को उनके जो क्लासिक है, उनके जो एक्स है, उसकी भी लिक्विडिटी मिलेगी, और अल्टीमा के अंदर भी लोगों का बहुत तेजी से काम ग्रो करेगा। तो इसलिए हमें अभी तैयार होना है, क्योंकि अगले 2 महीने हमारे पास कंपनी के पास बहुत कुछ है देने के लिए। कंपनी का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है, उस लॉन्च के ऊपर हजारों क्रिप्टो करेंसी टोकन आने वाले ट्रेड होने के लिए, और वो ट्रेड किसके अगेंस्ट होने वाला है, आपके कॉइन के अगेंस्ट होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है अगर आप समझते हो, यानी इससे हमारा करियर बहुत बड़ा बन सकता है। आप नेटवर्क के बिजनेस को समझ रहे हो, सिर्फ आप इन्वेस्टिंग को समझोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे 40-45 रुपए आएगा, 30 रुपए आएगा, 20 रुपए आएगा, इससे क्या होने वाला है? 40-45 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको हजारों लाखों रुपए चाहिए तो आपको नेटवर्क ही करना पड़ेगा। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। शाम को अलेक्स सर के वेबिनार के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं। अगर आज आप पूरे दिन भर में 50 से ज्यादा लीडर को 1 by 1 कॉल करते हैं, और वो 50 लोग 10-10 लोगों को कॉल करते हैं, तो हम 5-10 हजार लोगों को शाम के वेबिनार में लेके आ सकते हैं। और 5-10 हजार लोग आज के वेबिनार में आ जाएंगे, उनका विजन क्लियर हो जाएगा, वो अपना नया प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डैशबोर्ड काम करना शुरू करेंगे, आपके रैंक्स क्वालिफाई होने शुरू करेंगे। अभी त्यागी सर ने कहा कि हमने पिछले साल टीम की मदद करने के लिए हमने अपने 2-2 लेक में डेवलपमेंट किया, क्योंकि उस वक्त हमें लगा कि हमारे जो रैंक्स है, हमारा इन्फिनिटी, हमारा लेवल कमीशन है, वो 2 लेक डेवलप करने पे भी क्वालिफाई होता है। तो सबके हमारी मानसिकता वैसी बन गई। लेकिन आज हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट के अंदर 10-10 नए लीडर्स को लेके आ सकते हैं कि प्लैटिन वर्ल्ड में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है और इनिशियल स्टेज पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मार्केट के बड़े से बड़े लीडर्स को हम यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो लोग 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, आज उनके पास इतने चैलेंजेस है, उनके पास टीम हजारों लाखों लोगों की है, लेकिन उनके पास इनकम नहीं है, उनका इनकम डिक्रीज होते जा रहा है। नेटवर्क में इनकम आपका इंक्रीज होना चाहिए, राइट। आज से 10 साल पहले मार्केट का मोबाइल का जो लीडर था, मार्केट लीडर, वो नोकिया था। आज सैमसंग और एप्पल है, जो सबसे बड़ी दुनिया में कंपनी थी 10 साल पहले, आज वो मार्केट से गायब हो गई है।
यानी आज से 10-20 साल पहले जो नेटवर्कर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चले गए, अब वो प्रोडक्ट बेस्ड में घूम रहे हैं लेकिन उनके पास इनकम का सोर्स जनरेट मल्टीपल नहीं हो रहा है। लेकिन उसी इंडस्ट्री के अंदर आप अगर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लेके काम करेंगे तो आपका इनकम सोर्स मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैक्सिमम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं अगर आपने उनको इन्वाइट किया, उनको अपॉर्चुनिटी दिखा दी, तो बहुत बड़ा चांस है हमारे पास तीसरे और चौथे और पांचवें लेग को डेवलप करने का। तो जिनके पास दो लेग है, जिन्होंने तीसरा लेग ओपन नहीं किया है, आप अभी सिर्फ तीसरे लेग पे फोकस करो, चौथे पांचवें लेग पे फोकस मत करो। जैसे आपका तीसरा लेग स्टार्ट हो जाएगा, वहां से फ्रेश बिजनेस आएगा, आपके जो नए रैंक्स है वो सारे के सारे क्वालिफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि तीसरे लेग के अंदर आपको 20% बिजनेस ही लाना है, पुराने ग्रुप से आपका 50% क्वालिफाई होने वाला है, फिर दूसरे छोटे ग्रुप से आपका 30% क्वालिफाई होने वाला है, और जो नया ग्रुप आप ओपन करेंगे तीसरा वाला, उससे सिर्फ आपको 20% बिजनेस चाहिए, जिससे आपको पहले लेवल से 15 लेवल के बीच का पूरा कमीशन मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलने वाला है, राइट। मान लो कोई डायमंड है, उन्होंने तीसरा लेग ओपन कर दिया और उन्होंने इस महीने में 1 करोड़ का बिजनेस किया, तो 16 लाख रुपए उनके पास खाली इन्फिनिटी आएगा उसी एक लेग से, और उसी एक लेग से उनके कितने सारे प्रमोशन दोबारा निकले। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पास कितना कुछ है करने के लिए। 1 करोड़ का धंधा एक नए लेग में ला लिया इस महीने के अंदर, तो 20-22 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते, सारे इनकम मिला के। काम करने जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं करने जाएंगे तो बहाने बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो शाम को मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करना है, जितने पुराने लोग हैं या नए लोगों को भी आप इन्वाइट कर सकते हो। कंपनी के सीईओ का वेबिनार है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, तो जिसके अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपका फायदा हो सकता है इसमें, हम मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। तो नए लोग आएंगे, सीईओ की विजन को सुनेंगे, तो शायद उनका माइंडसेट बन जाएगा, जैसा हमारा बना था आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले, जब किसी और एक प्लेटफॉर्म से उठ के यहाँ पे आए थे, तभी भी हम एक अच्छी तलाश में थे, और आज भी ऐसे हजारों लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी के तलाश में, एक अच्छे प्रोडक्ट के तलाश में, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच रहे। तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी, तो हमें उसको पूरा करना है। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। 2023 अल्टिमा के लिए सफल टेक्नोलॉजी और तरक्की का साल है, और 2023 की 27 मई को एक लंबे इंतजार के बाद एक यादगार इवेंट बर्लिन में आयोजित होगा, अल्टिमा मोमेंटम कन्वेंशन यूरोप। इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने से चूक नहीं जाना, आपका इंतजार कर रहा है नई सफल टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन, पॉजिटिव एनर्जी का सागर, पूरे साल के लिए अनोखी एनर्जी का डोज, दुनिया भर के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात, पावरफुल नेटवर्किंग और आश्चर्यजनक खबरें। साथ ही नए अल्टिमा डेबिट कार्ड की प्रेजेंटेशन, एलेक्स रिनहार्ट के हाथों से अवार्ड्स और शानदार आर्टिस्ट के लाइव म्यूजिक के साथ एक आग लगा देने वाली आफ्टर पार्टी। इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जल्दी करें, सीटों की संख्या सीमित है।